नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम शकरपारे बनाएंगे। शकरपारे को दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो मैदा में चीनी मिलाएं, आटा गूंथ लें और शकरपारे तलकर बना लें। दूसरा, आटा बिना चीनी मिलाए गूंथें और बाद में चीनी की चाशनी बनाकर शकरपारे तलकर और उनके ऊपर चाशनी चढ़ाकर शुगर कोटेड शकरपारे। दोनों शकरपारे का स्वाद अलग अलग होता है, दोनों ही बहुत टेस्टी होते हैं। आज हम शुगर कोटेड शकरपारे बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। शकरपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को गूंथकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो हम आटा लगा लेते हैं। ये हमने 2 कप मैदा ले ली है और 1/4 कप घी को मेल्ट करके ले लिया है। और घी को हम मैदा में डालेंगे और अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसे मोयन भी कहते हैं और मोयन आटे की मात्रा का 1/4 भाग लिया जाता है। जैसे हमने 250 ग्राम मैदा लिया है तो 60 से 65 ग्राम घी ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सख्त आटा गूंथकर तैयार करेंगे। मौसम अगर सर्दी का है तो पानी गुनगुना करके ले सकते हैं। सख्त आटा लगा करके तैयार कर लिया और इतना आटा लगाने में 1/2 कप पानी लगा है। आटे को ढककर के हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। आटा सेट हो जाएगा, इसके बाद हम शकरपारे बनाएंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। आटे को थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेते हैं। अब हम शकरपारे बनाकर तैयार करते हैं। आटे को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 1 भाग ले लेते हैं और 1 भाग को ढककर रख देते हैं ताकि सूखे ना। और इसका हम पहले मसल कर गोल लोई बनाएंगे। अब हम इसे थोड़ा सा मोटा बेलकर तैयार करेंगे। ये हमने थोड़ी सी मोटी शीट बेलकर तैयार कर ली है और अब हम इसे काटेंगे। तो पहले हम एक जैसा कर लेते हैं किनारों से। अब हम इसे 1/4 इंच चौड़ी पट्टी में काट कर तैयार करेंगे। अब शकरपारे को 1 से 1.5 इंच लंबाई में काटेंगे। तो पहले तो हम इधर से थोड़ा सा एक जैसा कर लेते हैं काट कर। हम इन्हें थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे, अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से अलग कर लेंगे इन्हें और प्लेट में रख लेंगे। ये थोड़ी सी मोटाई है, बहुत ज़्यादा नहीं है मोटाई। जैसा कि हम मोटा पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसे बेला है। तो ये हमने शकरपारे काट कर तैयार कर लिए। बाकी जो बचा हुआ आटा है उसे भी हम इसी तरीके से बनाकर और काट कर तैयार करेंगे। और इन्हें तलने के लिए हम अब घी गरम कर लेते हैं। जब तक ये हमारे तले जाएंगे तब तक हम दूसरे शकरपारे भी काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये हमने कढ़ाई में घी लिया है, इसे हम गरम कर लेते हैं। पहले घी को चेक कर लेते हैं। तो 1 शकरपारा हम घी में डाल देते हैं। हमें शकरपारे तलने के लिए घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म घी चाहिए और आग भी हम मीडियम और धीमी रखेंगे। तो घी हमारा गर्म है, शकरपारा तल रहा है। अब हम सारे शकरपारे घी के अंदर डाल देते हैं। आग मीडियम रखेंगे। शकरपारे तैर कर आ गए घी के ऊपर, हम इन्हें पलट देंगे और चारों तरफ अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर तैयार करेंगे। शकरपारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो शकरपारे निकालने के लिए कलछी में इस तरीके से निकालें और थोड़ी देर कलछी को कढ़ाई के ऊपर रोक लें ताकि एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में वापस चला जाए। और ये बचे हुए शकरपारे भी इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन तलकर तैयार हो गए। गैस बंद कर देते हैं और इन्हें भी कढ़ाई से निकाल लेते हैं। और एक बार के शकरपारे तलने में 12 से 14 मिनट लग जाते हैं।
वैसे तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बहुत ही थोड़े शक्करपारे कढ़ाई में तलने के लिए डालें तो वो जल्दी तल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा अगर शक्करपारे कढ़ाई में एक साथ डाले जाएं तो उन्हें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम शक्करपारे के लिए चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हम कोई भी बर्तन ले लेते हैं, इसमें हम चीनी डाल देंगे। हमने 1 कप चीनी ली है, 250 ग्राम चीनी है, और इसमें हम 1/3 कप पानी डालेंगे। चाशनी बनाने के लिए पानी हम अलग अलग क्वांटिटी में डालते हैं। ये चाशनी हम जमने वाली कंसिस्टेंसी की बनाएंगे, तो हम चीनी की मात्रा का 1/3 पानी इसमें डालेंगे और चीनी घुलने तक चाशनी पका लेंगे। चेक कर लेंगे चीनी पानी में घुल गई है और हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो 1-2 ड्रॉप चाशनी की किसी भी प्याली में गिरा लें, और चाशनी के ठंडे होने के बाद इसे उंगली से थोड़ा सा लगाएं और इस तरीके से तार निकाल कर देखें। देखिए पूरा अच्छा सा लंबा तार बन रहा है। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है, गैस बंद कर देते हैं। चाशनी बनाने में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस पानी को नाप करके डाला है, चीनी का 1/3, और चीनी को घुलने तक पका लिया है और चेक कर लिया। ये चाशनी का बर्तन हम उठा करके जाली स्टैंड के ऊपर रख लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। इसको हम चाशनी को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये हमारे शक्करपारे तो ठंडे हो ही चुके हैं, चाशनी को भी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, गाढ़ी दिख रही है पहले से ज़्यादा। चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई है, पहले से गाढ़ी भी दिख रही है। अब हम शक्करपारे को इसमें डालकर कोट करेंगे। तो थोड़े से शक्करपारे हम चाशनी में डाल देते हैं, जितने कि आराम से चलाते बन जाएं चाशनी में। इस तरीके से इसको चीनी में चलाएंगे ताकि चाशनी की कोटिंग शक्करपारे के ऊपर आ जाए, और इनके ऊपर कोटिंग आने के बाद हम इन्हें तुरंत चाशनी में से निकाल लेंगे। अलग प्याले में रख लेते हैं निकाल कर। एक्स्ट्रा चाशनी वापस बर्तन में ही जाने देंगे। तो ये सारे शकरपारे इसी तरीके से हम चाशनी में डालकर कोट करके निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चाशनी गाढ़ी होती जा रही है और उसका कलर भी डार्क होता जा रहा है, और ये चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। हम इसे बिल्कुल थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। इधर जो हमने शकरपारे शुगर से कोट किए हैं, इनको हम चम्मच से इस तरीके से चलाकर अलग अलग कर देंगे। नहीं चलाएंगे तो ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो हर 1-2 मिनट में इन्हें चलाते रहेंगे। चाशनी पतली हो गई और ये जो थोड़े से शक्करपारे बचे हैं इनको भी हम कोट करके निकाल लेते हैं। ये शक्करपारों को मैं चौड़ी प्लेट में डाल लेती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और चलाते हुए भी आएंगे, इन्हें हम सेपरेट कर पाएंगे। हमारे शुगर कोटेड शक्करपारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छे शक्करपारे बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट शक्करपारे हैं, एकदम क्रिस्पी हैं, और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप आटा लगाएं तब आटे में जो घी डालते हैं उसे नाप करके ले लें। घी आटे की चौथाई मात्रा ली जाती है। जैसे कि आपने 200 ग्राम आटा लिया तो 50 ग्राम घी ले लेंगे। अगर आप घी कम डालेंगे आटे में तो शक्करपारे हार्ड बन जाएंगे, सख्त बन जाएंगे, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आटे को थोड़ा सख्त लगाएं। अगर आटा सॉफ्ट रह जाता है, सख्त नहीं होता, तो शक्करपारे नरम बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इन्हें तलते समय पूरा ध्यान रखना है, आग मीडियम और धीमी हो, अच्छे से गोल्डन ब्राउन शक्करपारे तले, बहुत ही अच्छे शक्करपारे बनेंगे। और चाशनी तो आपने जमने वाली कंसिस्टेंसी की बनानी है, वो बनाकर तैयार करें और इसी तरीके से उन्हें चीनी में डाल करके निकाल लें। बहुत अच्छे शक्करपारे बनाएंगे आप। शक्करपारे को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए।
आप इन्हें पूरे 2 महीने तक खा सकते हैं और बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।